कैमरा में इशू हो रहा था वो अभी ले जा रहा हूँ सर्विस सेंटर दिखाने, क्योंकि आज उसको ठीक करवाना बहुत जरूरी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। एक वो हो सकता है जैक का हो, या जैक का पिन ख़राब हो गया हो, या माइक ख़राब हो गया हो, तो वो तीनों एक बार चेक कराने थे। तो अभी 11:45 हो रहा है, मैं गाड़ी लेकर नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वो रास्ता थोड़ा सा कंजस्टेड होता है। दो मेरे को पार्किंग वहाँ पे मिल जाएगी, बट थोड़ा कंफ्यूज था इसलिए मैंने उबर भी देखा, उबर नहीं मिला तो मैं बाइक बुक कर लिया। अभी बाइक से निकल जाते अपने, टाइम कम लगेगा इस पर। इधर बस वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही आते हैं तो निकलते हैं। अभी ये काम ख़त्म करें पहले आज। आधा घंटा लग गया पहुंचने में मेरे को यहाँ पे। ये चले कैनन के शोरूम में, ये पूरा ग्लव्स व्लव्स पहना के अच्छा चेकिंग है यहाँ पे। तो बस अभी फोर्थ फ्लोर पे जाना है, देखें क्या होता है कैमरा के साथ आज मेरा। अभी अभी दूर रहो, अभी ना आने दो। ओ लग रहा है। रुको रुको रुको, हुआ शांति हाँ। तो मैं कैमरा देके अपना आ गया था अराउंड 2:30 है ना, 2:30 तक आ गया था। और कैमरा को अभी शायद टाइम लगने वाला है, क्योंकि चेक करते ही काफ़ी समय चला गया। और वहाँ सर्विस सेंटर में भी समझ में ठीक से नहीं आ रहा था, क्योंकि कभी कभी वॉइस क्लियर हो जा रहा था और कभी कभी वो जो आवाज़ थी वो आवाज़ आ रही थी। तो मैं छोड़ के आ गया, और वो अभी मेरे वो वारंटी पीरियड में था, इसलिए मैं बोला कि चलो जो चेक वेक करना है कर लो अभी, क्योंकि ट्रैवल से पहले ये सारा चीज़ें अगर मेरा क्लियर हो जाए तो फिर आगे जाके इशू नहीं रहेगा। तो अभी तो चाय मेरा आ चुका है, और चाय के साथ है रस्क जो कि हो गया है ख़त्म। आज ग्रॉसरी भी ऑर्डर करना है, और खुद ही तो ब्लैक टी विथ लेमन एंड जिंजर एंड गार्लिक एंड क्या क्या मसाला डाल के बना तो बहुत कुछ डाल के अभी पी रही है वो। तो चलो अपना हाँ चाय ख़त्म करते हैं, और मैगी को एक डर हो गया है अभी। मैगी अभी रूम के अंदर घुसना बंद कर दी है, क्योंकि उसको जब से हम लोग वो शुरू किए हैं कि घर में बंद करके खाना खिलाना, तब से वो डर से रूम में आ ही नहीं रही है। अगर सोएगी तो घर के बाहर सोएगी, सारा दोपहर बाहर निकाल देगी। किसी भी तरीके से आज दोपहर में घर के अंदर थी, तो ये डर भी अब उसका खत्म करना है। हम लोग आज से उसको घर के अंदर बंद करके खिलाना छोड़ देंगे। जैसे खाती है, जैसे खाना है वैसे खाएगी। तो अभी बाबू के रूम में सोई है जाके, अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ सोई थी। और जैसे मैं चाय बनाने गया, उसको लगा कि फिर ये कुछ लेके आएगा, अभी फिर बंद करेगा मेरे को, तो भाग गई वो डर से उस रूम में। तभी वहाँ पे सोइए, तो आज रात को उसको नॉर्मली खिलाने का कोशिश करेंगे। बट वैसे बहुत आराम से खा लेती थी, चलो देखते हैं आप। तो अभी पहले अपना चाय पिया जाए फटाफट फटाफट। सही मैगी को सब बदनाम किया था, खाती नहीं है खाती नहीं। कितना अच्छा बच्चा, देखो एक गेट खोल के खुलाओ, सब तरफ का गेट खोल के शांति से खा लो खा लो खा लो मैगी खा लो। तो ये शायद कोई कुकिंग चैनल चल रहा है अभी, आने वाले दिनों में हो सकता है तो कुछ नया बना के ट्राई करे, या हम लोगों को खाने मिले। तो जो भी हो, आज का दिन पूरा मेरा कैमरे के पीछे चला गया, मतलब सारा दिन जाके वहाँ पे ही वो इशू को समझना, क्योंकि उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था। करते करते दिन काफ़ी निकल गया, और फाइनली मैं छोड़ के आया हूँ वहाँ पे। देखो अब जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। तो कभी कभी क्या है ना कि प्यार से अगर आप कोई चीज़ खरीदो और
ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है उस पर अचानक तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, बट चलो कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने भी होते हैं इनमें कभी ना कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आना ही था और आता ही रहेगा, तो इतना सोच के कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी कुछ दिन अपने मोबाइल से ही ब्लॉगिंग करेंगे तो थोड़ा सा आवाज़ वगैरह क्लियर नहीं आएगा, तो सह लेना थोड़ा। तो बस अब आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। डिनर हो गया है हमारा, डिनर में रोटी और मिक्स वेज थी, बस यही सादा सिंपल खाना। तो मिलते हैं आपसे कल एक बार एक फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। बस ऐसे ही हंसते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।